हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल 2023। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट और पेज बिल्डर का यूज कैसे करते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेब होस्टिंग का एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। तो यहीं पे हम सारा काम करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मैं होस्टिंग यूज कर रही हूँ वो मैंने होस्टिंगर से लिया है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका डिस्काउंट लिंक मिलेगा आपको। वहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट और फ्री डोमेन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट डालना हो तो यहाँ से डाल सकते हैं। ये पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू पे क्लिक करके। और इसी तरीके से पेजेस ऐड कर सकते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरीके से पेज क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे प्लगइन्स भी, अलग अलग फंक्शन के लिए अगर प्लगइन्स चाहिए तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से हम यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि किसी और को एक्सेस देना हो वेबसाइट का अपनी, तो हम इसे दे सकते हैं दूसरा यूजर आईडी और पासवर्ड देके। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। ये बाय डिफॉल्ट जो थीम इंस्टॉल्ड होता है वो यहाँ पे है अभी। अब हम वापस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अनवांटेड जो प्लगइन्स मिलते हैं उन्हें डिलीट करना है, तो यहाँ प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब पहले हमें इन्हें डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, ये बल्क एक्शन जो लिखा हुआ है, और फिर यहाँ डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है और अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब हम फिर से इसे चेक करेंगे ताकि ये सारे सिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके कर लेंगे। तो ये सब डिलीट हो चुके हैं। अब हमें एक नया प्लगइन ऐड करना है, तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ये हम बैकअप के लिए कर रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे ड्राफ्ट प्लस। तो ये रहा यहाँ पे जो शो हो रहा है फर्स्ट ही फर्स्ट। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। इसे यहां से क्लोज कर लेना है। जब भी हम वेबसाइट पे काम करते हैं तो टाइम टू टाइम बैकअप लेना है, ताकि जब भी कोई एरर आ जाए तो हम यहाँ से रिस्टोर कर पाए। अब हमें एक और नया प्लगइन ऐड करना है, तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च में एलिमेंटोर टाइप कर लेंगे। तो ये फर्स्ट ही फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये एक पेज बिल्डर प्लगइन है। अब यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पे स्किप कर लेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू विथ हेलो थीम इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस नेम देना है वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लोगो वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे तो इसे स्किप कर लेंगे अभी के लिए। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे टेम्पलेट चूज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे फ्री नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला अगर पसंद आता है तो प्रो है, इसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो परचेस करना पड़ेगा और उसका डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप परचेस करेंगे तो 60% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम अभी फ्री यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लोकल सर्विसेज वायरफ्रेम 2 ये वाला ले रही हूँ, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ये सारे पेजेस मिलेंगे। आप देख सकते हैं होम और सर्विसेज और स्टोरी कॉन्टेक्टर्स, और भी हमें कोई पेज ऐड करना हो तो हम कर सकते हैं और डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वो सब हम बाद में एडिट करेंगे, तो हम इसे पूरा चेक कर लेंगे स्क्रॉल डाउन करके। ये इस तरीके से रहेगा हमारा पेज। इसके अंदर हमें कोई सेक्शन ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना हो तो रिमूव भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ अप्लाई किट पे क्लिक करेंगे, तो इसे अप्लाई करने के लिए हमें पहले एलिमेंटोर में लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से आईडी हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सीधे साइन इन करना है, लेकिन अगर नहीं हो तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे साइन अप करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा,
वहां अप्लाई ऑल पे क्लिक करना है और अब यहाँ एनेबल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब हम वापस से वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब हम होम पेज को एडिट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पेजेस में ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे और फिर होम के इधर एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करना है, इसे क्लोज कर लेंगे। होम पेज को एडिट करने से पहले हम एक बार वेबसाइट को चेक कर लेंगे, तो ये इस तरीके से दिख रही है हमारी वेबसाइट, ये हमारा होम पेज रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू शो नहीं कर रहा है, तो मेन्यू कैसे शो कराएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे वापस से डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अगर आपको एलिमेंटर के सारे फीचर्स यूज करने हो तो आपको एलिमेंटर प्रो परचेज करना पड़ेगा और उसका डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम होम पेज एडिट करने वाले थे लेकिन यहाँ पे मेन्यू ही शो नहीं कर रहा है, तो पहले मेन्यू शो कराना है। तो ये यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे होवर करके डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे पेजेस के अंदर ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से पेजेस है हमारे पास। ये होम है, कॉन्टेक्टस है, सर्विसेज का पेज है और हमें यहाँ पे अबाउट अस भी चाहिए और गैलरी का पेज चाहिए, तो वो क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो हमें दो पेज और क्रिएट करने हैं, तो यहाँ एड न्यू पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब इस पे क्लिक करना है ताकि नए टैब में ओपन हो जाए। एक और ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे नाम दे देंगे अबाउट अस और फिर यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी नया पेज बना लेंगे गैलरी और फिर यहाँ पब्लिश पे क्लिक करना है। अब हम वापस से डैशबोर्ड में आ जाएंगे और इसे एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, तो हमने जो पेजेस क्रिएट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, अबाउट अस और गैलरी। अब हम नया मेन्यू क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर होवर करके मेन्यूज पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेन्यू का नाम दे देंगे, मेन्यू वन दे देती हूँ। इसके बाद यहाँ क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करने के बाद हम इसमें मेन्यू आइटम्स ऐड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करना है और जो भी पेजेस आपको डिस्प्ले कराने हैं अपने मेन्यू में वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी और फिर यहाँ ऐड टू मेन्यू इस पे क्लिक करना है। इसे हम यहाँ पे अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे होम पेज के बाद और सर्विसेज का जो पेज है वो चाहिए, तो सिंपली इसे ड्रैग करना है आपको और इसके नीचे लाके ड्रॉप कर लेंगे और फिर यहाँ पे गैलरी का पेज चाहिए और सर्विसेज के बाद, तो यहाँ पे ये लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हेडर सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, इन दोनों को एक बार क्लोज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मेन्यू यहाँ पे शो कर रहा है। अब पहले हम इसका लोगो चेंज कर लेंगे, तो डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पे होवर करके राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे डैशबोर्ड को और अब यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोगो सिलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट लोगो और फिर ये रहा लोगो, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्रॉप नहीं करना है, तो स्किप क्रॉपिंग इस पे क्लिक करना है। तो ये रहा हमारा लोगो, यहाँ पे शो हो रहा है। टैगलाइन आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं टैगलाइन का, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ तो इसे हटा दूंगी यहाँ से। और फेव आइकन आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये जो वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है छोटा सा, वो ही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा फेव आइकन, तो वो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर लेना है।
अब एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम होम पेज एडिट करना सीखेंगे। तो इसके लिए डैशबोर्ड में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे पेजेस पे होवर करके ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। अब हम होम पेज एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करेंगे। इस टैब को क्लोज कर लूंगी मैं। अब जैसे कि हमें ये हेडिंग एडिट करना है तो इस पे क्लिक करना है। सिंपली ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है तो यहाँ पे ये कंटेंट वाले सेक्शन में आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एडिट करना हो तो सिंपली आपको टाइप करना है, ये हटा देंगे। अब जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट अभी सेंटर है, आप चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और ये जस्टिफाइड, लेकिन हम यहाँ पे सेंटर ही रखेंगे। अब जैसे कि स्टाइल में आ जाएंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली आपको जो भी कलर रखना है वो सिलेक्ट कर लेना है। और अगर यही सेम कलर आपको बाकी हेडिंग के लिए भी यूज करना है तो सिंपली आपको ये ऐड कर देना है ग्लोबल कलर में। यहाँ प्लस पे क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा ये इस तरीके से, और जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है, मैं कैंसिल कर लूंगी इसे। और अब यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे, ये पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ एरो पे क्लिक करना है और जो भी फॉन्ट आपको रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ये इस तरीके से, और साइज भी कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और वेट यहाँ से नॉर्मल करेंगे तो ये बोल्ड नहीं रहेगा, डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेंगे वापस से। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में अपर केस रखना है तो अपर केस भी रख सकते हैं, जिससे कि ये सारे कैपिटल में आ जाएंगे। और स्टाइल में अभी नॉर्मल सिलेक्टेड है, ये इटालिक और ऑब्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं आप जो भी चाहे वो, लेकिन हम हेडिंग सिंपल ही रखेंगे, डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेंगे वापस से। और लाइन हाइट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं ये इस तरीके से, और लेटर स्पेसिंग बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो ये लेटर के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। और ये वर्ड स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब जैसे हमने जो भी अप्लाई किया उसे अंडू करना हो तो ये सिंपली ये जो हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एक सिलेक्ट करके देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पहले जैसा हो गया, कलर भी ब्लैक आ गया। अब जैसे डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ से आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहे वो दे सकते हैं। और स्टाइल में जाके अगर इसका कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से, और फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये एडवांस वाले सेक्शन में आप मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, पैडिंग वगैरह देना हो तो पैडिंग भी दे सकते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये टेक्स्ट चेंज करना हो तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ से चेंज करना है कॉन्टेंट वाले सेक्शन में। अब जैसे ये सर्विस वन वाला कॉलम है, ये सिर्फ टेक्स्ट का कॉलम नहीं है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये इमेज का भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इमेज हम ऐड कर सकते हैं, चूज इमेज पे क्लिक करके इमेज लगा सकते हैं और टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये इस तरीके से, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसी तरीके से ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इनको एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से चेंज कर सकते हैं हेडिंग, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट चेंज करना है, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज करना है। जैसे कि कुछ बोल्ड करना हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये वाला पार्ट बोल्ड करना है तो इसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ बोल्ड पे क्लिक कर लेना है।
तो ये बोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं। अगर जैसे कोई लिंक लगाना हो कहीं पे, तो यहाँ पे जैसे इसे सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और जो भी लिंक देना है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसके बाद बाहर क्लिक कर लेंगे तो ये लिंक ऐड हो जाएगा। नॉर्मल करना है बोल्ड की जगह, तो इससे वापस से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे कि ये एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। आपकी वेबसाइट में अगर अर्थ स्टोरी पेज का कोई लिंक हो तो वो आपको यहाँ पे देना है। अभी इसका अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट सिलेक्टेड है, आप चाहे तो सेंटर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, राइट रखना चाहे तो राइट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट रख रही हूँ। इसके बाद यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जैसे चेंजेस करना हो टेक्स्ट को तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये एडिट करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है वो टेक्स्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन है, और नाम अगर चेंज करना हो तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। फॉन्ट वगैरह चेंज करने हो तो स्टाइल में जाके आपको चेंज करना है, अगर कलर चेंज करना हो तो वो भी स्टाइल में जाके करना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बार अपडेट पे क्लिक करेंगे और अब स्क्रॉल अप कर लेंगे और अब एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेंगे, जो भी चेंजेस किए हमने वो वहां पे शो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो हेडिंग चेंज की थी वो यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज किया था वो दिख रहा है और ये हमने राइट में कर लिया था आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमने नाम भी चेंज किया था वो भी यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो 9 डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर लाके ड्रॉप करना है और फिर यहाँ से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। और फिर यहाँ स्टाइल में जाएंगे और फिर यहाँ टाइपोग्राफी में जाना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में अपर केस सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे कैपिटल में आ जाएंगे और यहाँ पे लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे और फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अब बाहर क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट सेंटर करना हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे ये नहीं रखना है टेक्स्ट तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसके लिए जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करना है और फिर डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई हेडिंग ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसके लिए ये हेडिंग का जो ऑप्शन है इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है और यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और फिर स्टाइल में जाके कलर वगैरह चेंज करना हो और फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो टाइपोग्राफी में जाके कर सकते हैं। और अगर नहीं रखना है तो इसे डिलीट कर लेना है तो राइट क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे बटन को एडिट कैसे करते हैं वो देखेंगे, तो सिंपली आपको ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस की जगह लर्न मोर या फिर शेड्यूल नाउ ये सब रख सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस ही रख रही हूँ। और इसका अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे सेंटर ही बेस्ट है। और इसमें आइकन अगर लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आइकन लेना है आप ले सकते हैं। ये जैसे ये वाला उठा लूंगी मैं, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे ये पहले आ रहा है तो आइकन पोजीशन अभी बिफोर है, इसे आफ्टर कर लेंगे तो इसके बाद आ जाएगा। और अगर इसे हटाना है तो सिंपली आपको यहाँ नन पे क्लिक करना है तो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। अब ये बटन है तो कॉन्टेक्ट अस पेज का लिंक लगाना है हमें यहाँ पे, तो लिंक आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके लिंक लेने की जरूरत नहीं है, हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी कॉन्टेक्ट अस पेज बना हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे लिंक की जगह कॉन्टेक्ट अस टाइप करना है। तो ये रहा, आप देख सकते हैं इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिंक इंसर्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ब्लैक रखना हो तो ब्लैक रख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे व्हाइट ही रख रही हूँ। आपको जो भी कलर रखना है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ बाहर क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप, मतलब कि ये जो बटन का बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है
और जो भी कलर देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर टाइप यहाँ पे अभी सॉलिड सिलेक्टेड है, इसे आप चाहे तो नन भी कर सकते हैं अगर बॉर्डर नहीं रखना हो तो, और अगर रखना है तो वापस से सॉलिड सिलेक्ट कर लेंगे और कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी ब्लू सिलेक्टेड है, इसकी विड्थ बढ़ाना चाहे अगर बॉर्डर की तो वो भी बढ़ा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे इसका कलर चेंज करना हो बॉर्डर का तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। इसके बाद बाहर क्लिक कर लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं रखना है तो सॉलिड की जगह नन सिलेक्ट कर लेना है तो बॉर्डर हट जाएगा। अब जैसे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 100 है इसलिए ये पूरा राउंडेड है, अगर आपको स्क्वायर शेप में चाहिए बटन तो यहाँ पे सिंपली आपको 0 करना है तो ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा बॉर्डर राउंडेड रखना है तो यहाँ पे 10 या 20 रखेंगे तो ये थोड़ा सा राउंड शेप में दिखेगा, यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में रखूंगी तो इसे 0 कर लूंगी। अभी इस पे होवर कर रहा है तो व्हाइट कलर आ रहा है इसलिए शो नहीं कर रहा है कोई भी कलर, तो होवर पे भी हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी ये नॉर्मल बटन का हमने रीसेट किया था स्टाइल, अब होवर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी टेक्स्ट कलर आप देख सकते हैं ब्लू सिलेक्टेड है, इस पे होवर कर रहे तो ब्लू कलर आ रहा है टेक्स्ट का। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ बार क्लिक करना है। अब होवर करने पे इस बटन के बैकग्राउंड का भी कलर चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और इसे डार्क कर लेंगे, अभी अभी ट्रांसपेरेंट है इस तरीके से, और कलर यहाँ से आप जो भी रखना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं होवर करने पे। और बॉर्डर अगर रखते हैं आप तो यहाँ से बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे होवर एनिमेशन रखना हो तो यहाँ से रख सकते हैं, अभी नन सिलेक्टेड है यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी बाउंस सीन, अब इस पे होवर करेंगे तो थोड़ा सा बाउंस होगा आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होवर करने पे, और अगर नहीं रखना है तो सिंपली आपको ये क्रॉस पे क्लिक करना है तो ये नन सिलेक्ट हो जाएगा, अब ये बाउंस नहीं होगा। इसके बाद बाहर क्लिक कर लेना है। अब जैसे कि हमें होम पेज पे जितने भी बटन है उसमें ये सेम स्टाइल चाहिए तो इसके लिए यहाँ से कॉपी करना है आपको, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर इस बटन पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल इस पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं वो सेम कलर इसमें भी आ गया, ओवर करने पे भी वो डार्क कलर आ रहा है इसमें। इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी कई बटन हो तो वहां पे पेस्ट कर लेंगे स्टाइल को, तो अब हम इसमें लिंक दे देंगे तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर टेक्स्ट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप, और लिंक आपको यहाँ पे सर्विसेज पेज का देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे सर्विसेज, तो ये रहा हमारा और सर्विसेज करके पेज बना हुआ है तो इस पे क्लिक करेंगे तो लिंक इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि इस बटन और इस कंटेंट के बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए तो इसके लिए यहाँ एडवांस में आएंगे और टॉप में हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे, तो पहले इसे अनलिंक करना पड़ेगा और फिर टॉप में हम पैडिंग दे देंगे 50 ज्यादा है बहुत, वन पैडिंग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन गया, यहाँ पे अभी परसेंट सिलेक्टेड है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप पिक्सल भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो पिक्सल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे 5 पिक्सल रख लेंगे। अब जैसे कि कोई बटन ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, इसके लिए जो 9 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो बटन का ऑप्शन है इसे ड्रैग करके ड्रॉप करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे बटन ऐड करना है तो इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है, और अब बटन का स्टाइल ऊपर से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करना है और कॉपी, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्टाइल, ये बटन यहाँ पे सेंटर में आ गया आप देख सकते हैं क्योंकि ये भी सेंटर में था। अब हमें अगर इसे लेफ्ट में करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे और फिर यहाँ पे लेफ्ट सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेंगे अबाउट अस और यहाँ पे लिंक भी अबाउट अस पेज का लगा देंगे, तो सिंपली आपको टाइप करना है अबाउट
और अपनी वेबसाइट में अबाउट अस पेज है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो लिंक इंसर्ट हो जाएगा। और इसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे और अब वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर सेट करना हो तो कलर भी सेट कर सकता है, और इमेज ऐड करना हो तो इमेज भी ऐड कर सकता है। तो हम वापस से यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे इसे, और अब हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो 6 डॉट दिख रहे इस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ स्टाइल में आएंगे। यहाँ पे अभी इमेज लगा रखी है, आप देख सकते हैं लाइट ग्रे कलर की, तो हम इसे एक बार डिलीट कर लेंगे। अब जैसे कलर ऐड करना है तो सिंपली आपको ये जो क्लासिक का ऑप्शन दिख रहा है इसे सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी कलर रखना है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये इस तरीके से जो भी रखना है वो रख सकते हैं, मैं इसे क्लियर कर लूंगी। और ग्रेडियंट में अगर रखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दो कलर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट कलर ये यहाँ से सिलेक्ट करना है और सेकेंड कलर यहाँ से। ये इस तरीके से ग्रेडियंट में भी रख सकते हैं, और लोकेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और एंगल चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं ये इस तरीके से, और टाइप में आपको अगर रेडियल रखना हो तो वो भी रख सकते हैं, और पोजीशन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड में वीडियो ऐड करना चाहे तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे आपको एम्बेड करना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पे जो वीडियो हो या फिर वीमियो पे आपके वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। और यहाँ पे अगर स्लाइड शो रखना चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आपको चूज करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी नॉर्मल इमेज ही लगा रही हूँ, तो यहाँ क्लासिक पे क्लिक करूंगी। और कलर हमें इसे हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लियर पे क्लिक कर लेंगे। अब चूज इमेज पे क्लिक करना है और फिर अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ फोल्डर से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगी, ये वाली इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा देख सकते हैं। ये इस तरीके से आपकी इमेज शो होगी। पोजीशन अभी यहाँ पे सेंटर सिलेक्टेड है, सेंटर लेफ्ट, और इनसे अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये टॉप राइट। तो मैं यहाँ पे पहले वाला ही सिलेक्ट कर लूंगी सेंटर, और डिस्प्ले साइज अभी कवर सिलेक्टेड है ताकि ये पूरे में इमेज यहाँ पे शो करे। अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी डार्क है तो इसे हम व्हाइट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करना है और फिर स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बाहर क्लिक करना है, इसी तरीके से इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, स्टाइल में आके व्हाइट कलर सिलेक्ट करना है। और अब स्क्रॉल अप करेंगे और वापस से इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, 6 डॉट पे क्लिक करना है। इसका अटैचमेंट आप देख सकते हैं डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो टेक्स्ट के साथ इमेज भी ऊपर मूव कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज हमारी फिक्स रहे, तो इसके लिए यहाँ पे अटैचमेंट की जगह फिक्स्ड सिलेक्ट कर लेना है। अब इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो टेक्स्ट ऊपर मूव कर रहा है आप देख सकते हैं, लेकिन इमेज वहीं पे है। आप यहाँ पे चाहे तो बैकग्राउंड ओवरले भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करना है, और फिर कलर यहाँ पे आपको कोई भी डार्क कलर सिलेक्ट कर लेना है, ब्लैक कर लेंगे। इसके बाद बाहर क्लिक करना है, ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमारी हेडलाइन और टेक्स्ट ज्यादा रीडेबल है आप देख सकते हैं। अब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसी तरीके से आप बाकी जगह भी इमेज लगा सकते हैं। सिंपली ये पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करके और यहाँ से इमेज को चूज करना है। नीचे आ जाएंगे अब हम। अब जैसे हमें इस सेक्शन में कलर देना है बैकग्राउंड में, तो इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो 6 डॉट दिख रहे इस पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ क्लासिक पे क्लिक करना है और यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ये सेम कलर और भी किसी सेक्शन में देना हो तो इसके लिए हम इसे सेट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है प्लस साइन पे,
और यहाँ पे जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, जैसे मैं दे रही हूँ लाइट ग्रीन। इसके बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है तो ये कलर हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रहा लाइट ग्रीन करके ऐड हो गया इसमें। अब बाहर क्लिक कर लेंगे, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे इमेज ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है चूज इमेज पे, और फिर अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे कि ये वाली इमेज ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स वाले सेक्शन में भी हम बैकग्राउंड में कलर देंगे, तो ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे ताकि ये सेक्शन सिलेक्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ स्टाइल में आएंगे और फिर यहाँ क्लासिक पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर जो भी देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से जो भी कलर देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसे भी ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसे नाम दे दूंगी लाइट ब्लू। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हम लाइट ग्रीन जो हमने ऐड किया था वो सिलेक्ट कर लेंगे कलर। पोजीशन अभी यहाँ पे सेंटर राइट सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंटर सिलेक्ट करेंगे तो ये इमेज सेंटर में आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे इमेज अप्लाई करेंगे तो चूज इमेज पे क्लिक करना है और फिर अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे कि ये इमेज ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पे सेंटर में आ गई। लेकिन मैं एक बार इसे डिलीट कर लूंगी और अब स्क्रॉल अप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इमेज लगानी है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करना है और फिर यहाँ अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, इमेज की पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। अभी सेंटर सिलेक्टेड है, सेंटर लेफ्ट ज्यादा बेटर है। अब जैसे यहाँ पे इमेज ऐड करनी है तो इसी तरीके से इमेज ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स और इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो इसी तरीके से बाकी में भी इमेज ऐड कर सकते हैं, तो मैं इमेज ऐड कर लूंगी। तो हमने सारे इमेजेस ऐड कर लिए। अब जैसे यहाँ पे अगर इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये जो 9 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज का जो ऑप्शन है इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ इसके ऊपर चाहिए इमेज हमें तो इसके ऊपर लाके ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके आपको लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पे इमेज नहीं लगा रही तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जेड की प्रेस करूंगी तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे आइकन सेट करने हैं तो यहाँ से आइकन को ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर लाके ड्रॉप करना है। और अब यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जो भी आइकन चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला आइकन सिलेक्ट कर लूंगी, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से बाकी में भी आइकन ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब ये 9 डॉट जो दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आइकन का ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आइकन यहाँ से चेंज कर लेंगे और अब इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से आइकन को चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है
अब जैसे इसके बैकग्राउंड में कलर देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आइकन का कलर सिलेक्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ स्टाइल में आएंगे और अब इसका कलर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बार क्लिक करना है। अभी सेम कलर बाकी आइकन में भी देना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल। इसी तरीके से बाकी में भी कर लेंगे। अब जैसे हमें अगर आइकन के बैकग्राउंड में कलर देना है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले इस कलर को मैं रिमूव कर लूंगी। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर कर लेंगे और अब यहाँ पे ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ कॉन्टेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू के अंदर आप देख सकते हैं अभी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेम्ड सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सर्कल फ्रेम में आ गया आप देख सकते हैं। अगर स्क्वायर शेप में चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे प्राइमरी कलर पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड का जो भी कलर देना चाहे वो दे सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ बाहर क्लिक करेंगे और अब यहाँ इसका आइकन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर देना है वो दे सकते हैं ये इस तरीके से। इसके बाद यहाँ बाहर क्लिक करेंगे। अब सेम चीज हमें बाकी आइकन में भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकन पे और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल। सेम चीज इन सब में भी कर लेंगे। अब इसे एक बार अपडेट कर लेंगे और फिर वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेंगे। अब वापस से एडिट सेक्शन में आ जाएंगे। अब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे भी इमेज लगा देंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेज को, तो मैं ये कर लूंगी। अब जैसे कि हमें यहाँ पे इमेज ऐड करनी है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करना है और अब यहाँ अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और फोल्डर से कोई भी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और अब स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इमेज की विड्थ और हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी बॉर्डर टाइप यहाँ पे डिफॉल्ट है, अगर आपको सॉलिड रखना है तो रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया, इसका कलर चेंज करना चाहे बॉर्डर का तो भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ व्हाइट सेलेक्ट किया, इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे और इसकी विड्थ बढ़ा देंगे बॉर्डर की। तो इस तरीके से आप जो भी बॉर्डर की विड्थ रखना चाहे रख सकते हैं और बॉर्डर रेडियस यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, इससे ये कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इमेज नहीं रख रही तो इसे डिलीट कर लूंगी। सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है और डिलीट बटन पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल अप कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, तो इन सबको कम कैसे करता है? यहाँ पे आपको सिंपली ये सेक्शन सिलेक्ट करना है, ये छह डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ एडवांस में आना है। अभी यहाँ पे राइट और लेफ्ट में टू टू पैडिंग दे रखी है आप देख सकते हैं, तो टॉप में भी यहाँ पे टू कर लेंगे और बॉटम में भी टू कर लेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो छह डॉट दिख रहे इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ एडवांस पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ टॉप में 12 मार्जिन है आप देख सकते हैं, तो इसे कम कर लेंगे, 8 कर लेंगे, बेटर लग रहा है 8। अब नीचे आ जाएंगे और इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, 6 डॉट पे क्लिक करना है और फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी मार्जिन 12 है, इसे भी 8 कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी सब में भी हम मार्जिन 8 कर लेंगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हेडलाइन लिखी है यहाँ पे उसका मार्जिन बहुत कम है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को और फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे ये आपस में लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो पहले इसे अनलिंक कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। और अब यहाँ पे टॉप में पैडिंग दे देंगे, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस बन गया। मैं थोड़ा और ज्यादा कर लूंगी, इसे 30 कर लूंगी। अब वापिस से सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, 6 डॉट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे भी स्पेस नहीं है आप देख सकते हैं, ये जो नेम है वहां पे, तो हम इसमें भी पैडिंग दे देंगे। यहाँ पे हमें बॉटम में पैडिंग देनी पड़ेगी, ये आप देख सकते हैं स्पेस बन गया है, इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे। और अब स्क्रोल डाउन करके इस सेक्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्जिन 8 कर लेंगे। इसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है और अब वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्पेसिंग कम हो चुकी है। जैसे कि हमें यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए ही नहीं, तो हम इसे एडिट कर लेंगे, इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, 6 डॉट पे क्लिक करना है। और अब एडवांस के अंदर मार्जिन की जगह 8 है, तो इसे 0 कर लेंगे। अब इसे अपडेट कर लेंगे, अब वेबसाइट को भी रिफ्रेश कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनवांटेड स्पेस जो थी वो अब नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन के इधर भी स्पेसिंग कम है, इस कंटेंट और बटन के बीच में, तो इसे भी बढ़ा लेंगे। वापिस से एडिट सेक्शन में आ जाएंगे, इसे स्क्रॉल अप करेंगे और इस बटन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ एडवांस पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडिंग 5 दे रखी है, तो इसे हम बढ़ा देंगे, 30 कर लेंगे। इसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है और अब वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेंगे, तो अब ये बेटर लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कलर शो नहीं हो रहा है, तो आप इसे एडिट सेक्शन में आ जाएंगे और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और पहले इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस कॉलम को और फिर यहाँ से कॉपी करना है और फिर इस कॉलम पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल, इसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे और अब वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, तो अब यहाँ पे भी कलर शो हो रहा है। अब हम वापस से होम पेज एडिट कर रहे थे वहां पे आ जाएंगे। अब जैसे ये वाला सेक्शन हमें इसके ऊपर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इसे ड्रैग करना है, ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं इसे लेके इसे ड्रैग करेंगे और फिर इसके ऊपर लाके ड्रॉप करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर आ गया सेक्शन, लेकिन मुझे ये इसके नीचे ही चाहिए, तो कंट्रोल जेड प्रेस कर लेंगे तो ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जैसे हमें कोई सेक्शन ऐड करना है नया, हमें ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर सकते हैं, सिंपली ये क्लोज बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर एडवांस पे क्लिक करके, अब जैसे कि इन दोनों सेक्शन के बीच में स्पेसिंग रखनी है तो इसके लिए यहाँ पे हमें मार्जिन देनी होगी, अभी पिक्सल में सिलेक्टेड है, बाकी जगह पे हमने परसेंट सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे भी परसेंट सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे मार्जिन दे देंगे 8। अभी जो हमने मार्जिन दिए वो राइट बॉटम लेफ्ट में भी आ चुकी है, तो इसे हमें पहले अनलिंक्ड करना होगा, तो पहले मैं इसे 0 कर लूंगी वापिस से और फिर इसे अनलिंक कर लेंगे ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो। अब हम टॉप में मार्जिन दे देंगे 8 और फिर यहाँ पे हमें जो भी ऐड करना है इन कॉलम्स में वो ऐड कर सकते हैं, ये जो 9 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन हमें जो चाहिए वो ड्रैग करके इन कॉलम्स में लाके ड्रॉप करना है, लेकिन मैं इस सेक्शन को डिलीट कर लूंगी, इसके लिए यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना है। अब दूसरा ऑप्शन है ये फोल्डर का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। नया सेक्शन ऐड करने के दो तरीके होते हैं, पहला तो हमने देख लिया, अब ये दूसरा तरीका है जिसमें यहाँ पे ब्लॉक्स का जो ऑप्शन आता है, पेजेस पूरा ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी लेआउट आपको पसंद आए वो पेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे इसमें ब्लॉक्स के, तो यहाँ पे आपको जैसा भी चाहिए वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अबाउट का चाहिए तो अबाउट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं FAQ इसे सिलेक्ट कर लूंगी, जैसे कि ये सब यहाँ पे प्रो दिख रहे हैं, ये वाला फ्री है हमारा, तो हम इसे इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नया सेक्शन ऐड हो जाएगा। और अब इसे एडिट करने के लिए ये जो 6 डॉट दिख रहे इस पे क्लिक करना है, और जिस भी कॉलम को हमें एडिट करना है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो पेंसिल आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करके, और फिर यहाँ से आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अब जैसे इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, तो ये जो 6 डॉट दिख रहे इस पे क्लिक करेंगे, फिर स्टाइल में आएंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और अब प्लस आइकन पे क्लिक करके इस कलर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो भी ना आपको नाम देना है वो दे सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आंसर जो भी होगा उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टाइल में जाके, और टेक्स्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं और कलर यहाँ से चेंज करना है। और अगर फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है टाइपोग्राफी में, और यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है। जो भी फॉन्ट रखना है वो आप रख सकते हैं, और यहाँ पे वेट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट का। ये बोल्ड रखना चाहते हैं तो बोल्ड भी रख सकते हैं। मैं वापस से पहले जैसा ही कर लूँगी। और लाइन हाइट वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और वर्ड स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है उसका भी फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करना है और फिर स्टाइल में आके टाइपोग्राफी पे क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है। और इसे अपडेट करने के बाद एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेंगे। तो ये रहा हमारा सेक्शन जो हमने नया ऐड किया था। और अगर इसके नीचे भी और भी कोई सेक्शन ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वापस से होम पेज के एडिट में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके जो भी ब्लॉक ऐड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूं। और इनके बीच में कोई ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे, और फिर यहाँ पे ये सिलेक्ट करके यहाँ से जो भी ब्लॉक ऐड करना है वो कर सकते हैं। मैं क्लोज कर लूंगी। तो इसी तरीके से आप बाकी के पेजेस भी एडिट कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा वेब होस्टिंग का, वहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट, तो वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।